Hello dear students, welcome back to the Home Academy. This video is third part of the para jumbles. Here I take one more example and let us see how I solve this problem on the para jumbles. In this question we have six sentences and all the sentences are in the jumbled form and we have to rearrange these sentences to form a meaningful paragraph. The main objective in para jumbles is to rearrange the sentences to form a meaningful paragraph and then we have to answer the questions which were asked. Question may be like this: which of the following is the first sentence, last sentence, fourth sentence, fifth sentence, etc. after the rearrangement? So there are some key points to remember. First of all, we have to find opening sentence of the paragraph. Second step is to find the pair of the sentences, that is to find the linked sentences. After the first sentence and opening sentence, we have to find the linked sentence, that is second sentence, third sentence, and at last sentence. Third step is to find the last sentence, which is generally a conclusion or the result of the above sentences. तो एग्जाम्पल जो हमने ली है उसमें छः सेंटेंस दिए गए हैं और हमें उन्हें रीअरेंज करना है एक पैराग्राफ में ताकि वो एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बना सके। शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, इन जनरल अफ्रीकन नेशन हैव लिमिटेड एक्सपोजर बिकॉज दे स्टिल प्राइस देयर गुड्स इन अमेरिकन डॉलर्स। एक सेंटेंस है, एक जनरल सी एक बात कही गई। क्या ये ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि एक जनरल सी बात कही है कि अफ्रीकन जो नेशन है उनके पास जो एक्सपोजर है बहुत कम है, वो अभी भी अमेरिकन डॉलर्स में ही अपनी ट्रेड करते हैं। सेकंड सेंटेंस दिया गया है, सो वाइल देयर इज नो इमीडिएट इम्पैक्ट इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म द सेल्स ऑफ द अफ्रीकन कॉमोडिटीज एंड अफ्रीकन करेंसीज कुड टेक अ नॉक बिकॉज ऑफ दिस लोअर डिमांड। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है वो सो से शुरू हो रहा है, सो से, और यहाँ पर एक लोअर डिमांड की बात की गई है, तो ये सेंटेंस जो है ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है। थर्ड सेंटेंस को देखेंगे, द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ द यॉन कैन नॉट बी सीन और मेजर्ड बट कंट्रीज डेट हैव टेकन स्टेप टू ट्रांसैक्ट इन चाइनीज मनी कुड सी प्रेशर ऑन देयर ऑन लोकल करेंसी। यहाँ पर एक बात की गई है कि इमीडिएट इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट है जो डीवैल्यूएशन का, अगर कोई भी करेंसी जो है उसकी डीवैल्यूड हो जाती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ना ही हम उसको मेजर कर सकते हैं ना ही हम उसे देख सकते हैं, लेकिन जो कंट्री जो है उनकी जो लोकल करेंसी है उस पर ज़रूर प्रेशर आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस कंट्री की बात की गई है, किसी ना किसी कंट्री जो है उसकी जो करेंसी जो है वो डीवैल्यूड ज़रूर कही गई होगी, तो ये भी ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा, इससे इस सेंटेंस से पहले ज़रूर कोई ना कोई सेंटेंस होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, देयर फोर द सेल ऑफ द कॉमोडिटी। यहाँ पर जो बात की गई है क्या, देयर फोर द सेल ऑफ द कॉमोडिटी, तो ये भी सेंटेंस जो है वो देयर फोर से शुरू है, सच अ प्लेटिनम कॉपर और कोल में बिकम मोर एक्सपेंसिव विच कुड रिड्यूस द डिमांड, तो ये भी ओपनिंग सेंटेंस तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, इफ द यॉन इज डीवैल्यूड बाइंग एनीथिंग प्राइस इन डॉलर बिकम द प्राइसर फॉर द चाइनीज। तो यहाँ पर यॉन जो है करेंसी जो है चाइना की, उसकी बात की गई है कि उसे अगर डीवैल्यूड कर दे, तो अगर उसे डीवैल्यूड कर देंगे तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है इम्पैक्ट एक जो अभी फिर उनको ट्रेड जो है वो डॉलर्स में करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से तो जो भी है चाइनीज उन कुछ भी वो खरीदेंगे तो उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। फिर है नेक्स्ट सेंटेंस, तो ये जो है ये सेंटेंस जो है ये ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है। अगला सेंटेंस भी चेक करेंगे, नॉनदिलेस एज चाइना इज नाउ द बिगेस्ट कस्टमर दे कुड फील द पिंच इनडायरेक्टली, सो दिस कुड नॉट बी एन ओपनिंग सेंटेंस। तो ओपनिंग सेंटेंस जो होगा हमारा श्योर है कि वो ई सेंटेंस होगा, इफ द यॉन इज डीवैल्यूड बाइंग एनीथिंग प्राइस इन डॉलर्स बिकम द प्राइसर फॉर द चाइनीज। अब हमारे पास जो ई सेंटेंस था इसी से एक सेंटेंस जो था लिंक था जिसमें यॉन की ही बात की गई थी, वो कौन सा था, सी सेंटेंस, द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द डीवैल्यूएशन ऑफ द यॉन कैन नॉट बी सीन और मेजर्ड बट कंट्रीज डेट हैव टेकन स्टेप टू ट्रांसैक्ट इन चाइनीज मनी कुड सी प्रेशर ऑन देयर ऑन लोकल करेंसी। तो यहाँ से हम पहले सेंटेंस तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब जो सेकेंड सेंटेंस है वो हमें
पेयर बना के पता चला, क्योंकि जो ई और सी है वो एक आपस में पेयर बना रहे हैं। और अगर हमें नेक्स्ट सेंटेंस फाउंड करना होगा तो अभी यौन की बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन एक बात है ऊपर, एक जनरल बात की गई है कि पहले तो बोला कि अगर हम किसी भी करेंसी को डीवैल्यूट करेंगे तो क्या होगा, फिर उसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट बोला। अब एक बात बोल रहा है कि अफ्रीकन जो है, इन जनरल अफ्रीकन नेशन हैव लिमिटेड एक्सपोजर, कि जो अफ्रीका अफ्रीकन जो है वो अभी भी डॉलर्स में ही ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो एक्सपोजर है उसकी कमी है। चाइनीज़ के पास एक्सपोजर है जिसकी वजह से वो अपनी ही करेंसी में जो है वो ट्रेड कर रही है। तो ये सी से लिंक कर रहा है, जो ए है वो नेक्स्ट सेंटेंस हो सकता है। और ए के बाद ही हमने अभी पढ़ा डी सेंटेंस, देयरफॉर द सेल ऑफ कमोडिटीज सच अ प्लेटिनम कॉपर और कोल में बिकम मोर एक्सपेंसिव विच कुड रिड्यूस द डिमांड। तो जब वो अमेरिकन डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं तो कॉस्ट तो ज़्यादा होगी, अपनी करेंसी जो है वो कम होगी, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो कम होगी, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है तो डिमांड कम होगा। सिंपल सा इकोनॉमी का कंसेप्ट है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है, पहला तो हमारा ई आ गया, सी आ गया, ए और डी आ गया, अब और बी और एफ बचे हैं। सो बी और एफ, जो एफ होगा वो श्योर है कि वो लास्ट सेंटेंस ही होगा, क्योंकि एक रिजल्ट सा उन्होंने शो किया है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। तो इससे भी पहले एक है इम्पैक्ट दिया गया है। सो वाइल सेंटेंस बी में देर इज़ नो इमीडिएट इम्पैक्ट, कोई इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होगा इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, द सेल्स ऑफ द अफ्रीकन कॉमोडिटीज एंड द अफ्रीकन कंट्रीज कुड टेक अ नॉक बिकॉज ऑफ दिस लोअर डिमांड। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो लास्ट सेंटेंस होगा वो सेंटेंस एफ होगा। तो हमारा जो कोड बना, पहला सेंटेंस ई है, सेकेंड सेंटेंस सी है, देन ए एंड देन डी एंड बी एंड एफ। अब जो क्वेश्चन आपके पास होंगे वो किस तरीके से है, पहला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो अभी हमने फाइंड आउट किया थर्ड सेंटेंस कौन सा था, सेंटेंस ए था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट और द सिक्स सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस कौन सा था, एफ था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ सेंटेंस, द फोर्थ सेंटेंस इज द सेंटेंस डी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेंटेंस, ऐसे ही पूछा जाएगा, ई है। फिर सेकंड सेंटेंस के बारे में पूछ सकता है तो वो सी था, और फिफ्थ के बारे में पूछ सकता है तो वो बी था। होप थोड़ी सा ओवरव्यू आपको जो है इसका पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो मैंने इसमें क्या अपनी अप्रोच लगाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कैसे मैंने सोचा, और आप जो है अपनी सेंस का यूज़ करोगे क्वेश्चन को अच्छे से, इसमें कॉमन सेंस का ही ज़्यादातर यूज़ होगा। बस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा। ये श्योर है कि आपके जो 5 मार्क्स है इस क्वेश्चन के वो ज़रूर पूछे जाते हैं हर बैंकिंग एग्जामिनेशन में, एसएससी के एग्जामिनेशन में, तो यहाँ से इजीली आप स्कोर कर सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। इफ़ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब अवर चैनल प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो डैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो वेन एवर वे अपलोड। ऑल्सो जॉइन अस ऑन अवर फेसबुक पेज www.facebook.com/incapitalsscTiyari and the link is also given in the description of number of videos and also on of Facebook groups. Thanks for watching. All the best.